नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए, यूपी उपचुनाव का रिजल्ट भी घोषित हो गया, मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी मतगणना पूरी हो चुकी है और गुजरात उपचुनाव के भी परिणाम सबके सामने हैं। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ जिस भी राज्य में उपचुनाव होने थे सभी जगह रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और 10 नवंबर हर लिहाज से बीजेपी के लिए एक बहुत ही अच्छा और सफल दिन साबित हुआ है। बीजेपी ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि साल 2020 में भले ही दुनिया ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, खासकर भारत ने तो बहुत से मुद्दों को लेकर विपक्ष का सामना किया, मुद्दा चाहे चीन का हो या फिर कोरोना का, लेकिन अब भी मोदी का जादू लोगों के सिर से उतरा नहीं है। मोदी का मैजिक अब भी काम कर रहा है। यूपी में उपचुनाव के रिजल्ट से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो दिन पहले कहा था कि उपचुनाव के नतीजे 2022 के उपचुनाव की दिशा तय करेंगे और देखिए रिजल्ट के बाद दिशा तय हो गई है। जी हाँ, साल 2022 के लिए यूपी में बीजेपी के लिए रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की सीट विपक्ष में ही सुरक्षित नजर आ रही है। दलित से लेकर ब्राह्मण वोटों की सियासत को लेकर उपजे विवाद, कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों के बीच में 7 में से 6 सीटें जीतकर बीजेपी ने यह संदेश दे दिया कि जनता का भरोसा अब भी बीजेपी पर कायम है। हालांकि साल 2018 में यूपी में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, फिर उसके बाद 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने सतर्कता बरती थी और देखिए रिजल्ट आपके हमारे हम सबके सामने है। बीजेपी को 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है और सपा को उसी की 1 सीट वापस मिली है। जिन 7 सीटों पर चुनाव हुए थे वो वेस्ट यूपी, बुंदेलखंड, सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल सहित प्रदेश के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, सपा और बसपा, यूपी में एक्टिव रहने वाली सभी पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश की थी। लेकिन जब हार का सामना करना पड़ा तो फिर साल 2022 के आम चुनावों से पहले इस चुनाव को बीजेपी के लिए सेमीफाइनल की जीत माना जा रहा है। उपचुनाव वाली सभी 7 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ सभाएं की। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने खुद चुनाव प्रबंधन की हर सीट पर बैठकें की थी। उप मुख्यमंत्रियों की रैलियां भी हुई थी, मतलब बीजेपी ने पूरी मेहनत की थी, जबकि बसपा प्रमुख मायावती इन उपचुनावों के लिए घर से भी नहीं निकली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इन चुनाव में जीत के लिए कोई जोर नहीं लगाया और जब जमीन से इन लोगों की दूरी दिखी तो फिर जनता ने भी इनकी जीत दूर कर दी और अब जब बीजेपी को सफलता हासिल हुई है तो इससे पार्टी को साल 2022 के लिए हौसला और हिम्मत मिली है। ये हालात तब हैं जब हाथरस कांड और विकास दुबे कांड को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन फिर भी जनता ने इन्हें ही अपना प्रतिनिधि चुना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अच्छी जीत दर्ज करते हुए कहा कि मोदी योगी की लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के चलते शानदार जीत मिली है। सीएम योगी ने 24 घंटे परिश्रम कर प्रदेश के हर नागरिक का कोरोना काल में ध्यान रखा, जिस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई। मैं बीजेपी के शानदार और जानदार कार्यकर्ताओं को नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करता हूँ।